हाय दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं अभी। और अगर परीक्षा हाल में जाने से पहले ये 3 या 4 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देख कर जाइएगा और कंठस्थ ये क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका मेरिट से हटा सकता है और एक क्वेश्चन मेरिट में ला सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के, और कमेंट में आपको बताना है कितना क्वेश्चन सही किया है। और हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन कि कैलोरी क्या है। तो कैलोरी ऊष्मा की मापन इकाई है, ठीक है, ऊष्मा की मापन इकाई क्या है, कैलोरी है। अगला, विद्युत चुंबक मृद लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो मृद लोहे का, ठीक है। विद्युत चुंबक जो बना होता है वो मृद लोहे का बना होता है। अगला, 1 माइक्रॉन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। जो 1 माइक्रॉन होता है वो 0.001 मिलीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NaOH। अगला है कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो लोलक की लंबाई को अगर 1/4 यानी कि 1/4 कर देंगे तो उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि CGS प्रणाली में बल की इकाई है, तो डाइन है, ठीक। CGS प्रणाली में बल की इकाई है डाइन, और न्यूटन भी होता है, ठीक। और MKS प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो MKS पद्धति में होता है वो यंग प्रत्यास्था के गुणांक का इकाई होता है, जो मतलब कि मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है कि घंटा या बेल धातु में तांबा तथा टिन होता है, या तांबा तथा टिन के मिश्र धातु से घंटा बनाया जाता है, जो घंटी होता है। देखिए ये अगला क्वेश्चन कि 1 नैनोमीटर होता है तो कितने के बराबर, 10^9 के बराबर 1 नैनोमीटर होता है, ठीक। 1 नैनोमीटर 10^9 के मीटर के बराबर होता है। सॉरी दोस्तों, 1 मीटर में 10^9 नैनोमीटर होता है, ठीक। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ। और जलयानों की चाल मापने की इकाई क्या है, तो नाट प्रति घंटा। जलयान की चाल नापने के लिए नाट प्रति घंटा होता है। अगला, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। देखिए धर्म से तो जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो हीनयान और महायान का बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। पंकज अडवाणी स्नूकर खेल से संबंधित है। अगर पूछ देगी पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, स्नूकर खेल से। अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है कि वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है। मुद्रा माना कि पैसा वहाँ का क्या है, तो यूरो होता है, जर्मनी का यूरो होता है। अगला, भारत का अंतिम वायसराय है, तो माउंटबेटन। भारत का अंतिम जो वायसराय था वो माउंटबेटन था। उसके बाद से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला, ठीक। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था, ठीक। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, और ये किस शासक थे, तो गुप्त शासक के थे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।